जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता ही चल गया होगा, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दो बहुत ही कमाल के ब्लूटूथ स्पीकर जो मामूली नहीं है क्योंकि उनमें कई सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों हमारा पहला स्पीकर है पगारिया कंपनी की तरफ से आने वाला ये ब्लूटूथ स्पीकर, और ये ब्लूटूथ है तो इसमें आपको 5.0 का सपोर्ट मिलता है जिससे इसकी कनेक्टिविटी रेंज हो जाती है लगभग 10 मीटर की। फीचर्स की बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों इसके बॉक्स में आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है और इसको चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी केबल, दो बैटरीज मिलती है। अगर बाय चांस आपको इसके रिमोट को चलाना है, मतलब इसके रिमोट को यूज करना है, तो इसमें आप इस बैटरीज को लगा सकते हैं और साथ में आपको यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसके सामने की तरफ आपको स्क्रीन मिलती है जिसमें आप टाइम देख सकते हैं, और ये एक अलार्म क्लॉक की तरह भी काम करता है ये ब्लूटूथ स्पीकर, जो काफी अमेजिंग फीचर मुझे लगा। एक बार इसको हम ऑन करके देखते हैं। ऑन कहाँ से होगा भाई? यहाँ से होगा, हमने कर दिया ये ऑन। तो दोस्तों हमने कर लिया है इसको ऑन, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सामने जो काफी ब्राइट स्क्रीन है और टाइम भी काफी साफ दिख रहा है। इस स्पीकर में आपको और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें अलार्म क्लॉक का फीचर मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा ये ब्लूटूथ स्पीकर है तो आप इसको अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो स्पीकर मिलते हैं वो पीछे की तरफ मिलते हैं जो 7.5 वाट के है, जिसे आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके चला सकते हैं, जो काफ़ी लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इसमें SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है, साइड में पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं और ऑक्स केबल भी यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आप इसमें FM भी सुन सकते हैं, जो काफ़ी अमेजिंग फीचर है। वैसे आजकल के ब्लूटूथ स्पीकर में FM कमी आता है, इसमें दिया है तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो एक बार हम इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और इसकी साउंड सुनते हैं कि कितनी लाउड है। दोस्तों ये स्पीकर हमने कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से, अब इसकी आवाज़ सुनते हैं कितनी लाउड है। एक NCS चला के देखते हैं। भाई साउंड क्वालिटी तो काफी बढ़िया है, कैसी लगी भाई? बढ़िया आ रही थी यार, क्या बात है। काफी लाउड साउंड है इसकी, जो मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी तेज होगी इसकी, और इसकी डिस्प्ले जो है सामने की वो भी काफी ब्राइट है जिससे दूर से भी ये दिख जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको ये रिमोट भी मिलता है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें बैटरीज लगानी होगी। सबसे पहले हम इसमें बैटरीज लगाते हैं। हमने इसमें बैटरीज डाल दी, अब इसको चला के देखते हैं। हम एक NCS चलाते हैं और फिर इसको म्यूट करके देखते हैं इसके रिमोट कंट्रोल से, और ये काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा इसमें वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। और काफी अच्छे से काम कर रहा है। उसके अलावा इसमें मोड का ऑप्शन भी मिलता है, आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं, और मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि ये ऑक्स दिखा रहा है सामने, ऑक्स से लाइन है, ये क्लोज है। उसके अलावा FM भी चलता है इसमें। अब भाई जैसे कि मैंने बताया हमारा रूम काफी अंदर को है तो यहाँ पे कनेक्शन नहीं आते, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिग्नल जो होता है वो मिल गया। दोस्तों इसके अलावा इस स्पीकर में आपको 2400 MHz की बैटरी मिलती है जो आपको लगभग 12 घंटे का प्लेबैक टाइम देती है, जो काफ़ी अमेजिंग है इस स्पीकर के रेट के हिसाब से, क्योंकि इसको मैंने अमेजन से मंगाया 1800 रुपये में। और इसका जो एक फीचर और भी बढ़िया वो ये है कि इसमें आपको रिकॉर्डिंग फीचर मिल जाता है। जैसे सपोज करो आपको इसको किसी को गिफ्ट के तौर पर देना है तो आप एक SD कार्ड में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके इसमें लगा सकते हैं, और जैसे ही वो ऑन करेगा तो सुनेगा कि भाई आपने उसे गिफ्ट दिया है। और अगर आपको इसमें अलार्म क्लॉक सेट करना है तो इसमें अलार्म क्लॉक सेट करके एक SD कार्ड में कोई सी भी बढ़िया सी रिंगटोन डाल दो और उसको इसमें लगा दो, जब वो अलार्म क्लॉक बजेगा तो वो रिंगटोन बजेगी, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये मल्टीटास्किंग ब्लूटूथ स्पीकर बन जाता है। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसे मैंने अमेज़न से मंगाया 1800 रुपये में, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट ब्लूटूथ स्पीकर की तरफ, जो मैकमराइज कंपनी की तरफ से एक लिमिटेड एडिशन है और मेरा फेवरेट है। और फेवरेट क्यों है मैं आपको खोल के दिखाता हूं। दोस्तों बॉक्स में आपको ये स्पीकर मिलता है जो RMN के हेलमेट की तरह है। जैसे कि आपने देखा बॉक्स की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्पीकर काफ़ी अच्छी हालत में हमारे पास पहुंचा है, जो काफ़ी अच्छी बात है।
और इसमें आपको कई सारे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं छोटे से स्पीकर में। सबसे पहले तो इसमें आपको एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है, मतलब कभी आपका मन ना करे इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का तो आप एसडी कार्ड लगाओ और गाने सुनो, और उसके बाद इसको आप चार्ज कर सकते हैं इस माइक्रो यूएसबी केबल की मदद से। उसके अलावा इसमें ऑक्स का ऑप्शन भी मिलता है। ऑक्स पर लगेगी कहाँ भाई, केबल तो इन्होंने दे दी पर छेद नहीं दिया कहीं पे। भाई इसमें ऑक्स केबल तो इन्होंने दे दी पर इसमें कहीं पे छेद दिया ही नहीं भाई, लगाए कहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा भाई इसमें पीछे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, ट्रैक को आगे पीछे करने का ऑप्शन मिलता है और मोड का ऑप्शन मिलता है, शायद इसमें एफएम चलेगा तो इसलिए मोड का ऑप्शन दिया। एक बार हम इसको ऑन करते हैं और इसकी आवाज़ सुनते हैं भाई कितनी लाउड है। हमने कर लिया है इसको ऑन। हमने इसको ऑन तो कर लिया है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी आंखों में भाई लाइट जल रही है जो काफी अमेजिंग लग रहा है। भाई मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इसमें यहाँ लाइट जलती है, देख रहा भाई, लग रहा है ना बढ़िया। चलिए एक बार इसमें गाना बजा के देखते हैं भाई कितनी लाउड इसकी आवाज है। इसमें कोई बढ़िया सा एनसीएस चलाते हैं हम, फिर से शूटिंग स्टार चलाते हैं और देखते हैं। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. दोस्तों जैसे कि आपने इसकी साउंड क्वालिटी सुनी, मुझे तो वैसे काफ़ी पतली सी साउंड इसकी लगी, बेस थोड़ा कम है, लेकिन इसके बॉक्स में लिखा हुआ था कि इसमें बेस काफ़ी अच्छा आएगा। पर अगर आपको बेस से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आवाज़ तेज होनी चाहिए, बेस चाहे आए ना आए, तो उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया, और शो पीस के लिए तो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आता है और लाइटें जलती है तो ये काफ़ी अमेजिंग भी लगता है। उसके अलावा इसमें मोड का ऑप्शन भी है, एक बार मोड क्लिक करके देखते हैं क्या होता है इसमें। भाई इसमें एफएम तो चल नहीं रहा क्योंकि भाई यहाँ कनेक्शन आते नहीं है। दोस्तों अगर मैं इस स्पीकर की और फीचर्स की बात करूँ तो ये लगभग 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है और उसके बाद ये आपको देता है 6 घंटे का प्लेबैक टाइम, जो काफ़ी बढ़िया है। और इसकी कनेक्टिविटी रेंज है 10 मीटर की जो सारे स्पीकर्स में आपको मिलती है। वैसे तो ये स्पीकर मुझे काफ़ी पसंद आया, बस इसमें बेस की थोड़ी कमी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं एज अ शो पीस अपने घर में रखने के लिए, क्योंकि भाई मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया क्योंकि मैं एक आयरन मैन का फ़ैन हूँ, अगर आप भी एक फ़ैन हैं आयरन मैन के तो आप इसको खरीद सकते हैं अमेजन से। इसको मैंने मंगाया है 1800 रुपये में और इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा स्पीकर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ताकि हम और भी अमेजिंग स्पीकर्स या फिर गैजेट्स आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।